करना है आप लोगों का फेयरवेल। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, यहां दो क्लास के बच्चे एकत्रित हैं, एक का फेयरवेल होगा और एक उसमें शामिल हो रहे हैं। जो बच्चे क्लास टेंथ में हैं उन लोगों का फेयरवेल है, और जो बच्चे नाइन्थ में हैं वो फेयरवेल में शामिल है, सिर्फ शामिल है। आज का जो दिन है वो एक ऐसा दिन है जब विद्यालय का ही एक अभिन्न अंग रहा हुआ बच्चा अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल के निर्माण के लिए एक शैक्षणिक संस्थान को छोड़ करके किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान की तरफ प्रवेश करता है, जिसके लिए एक उत्सव की तरह कि किसी भी बच्चों को इसके लिए बुरा ना लगे, किसी बच्चों को दुख ना हो, इसके लिए फेयरवेल का कार्यक्रम किया जाता है कि उन बच्चों को जो विद्यालय में काफी समय से जुड़े रहे, कोई बच्चा इसमें ऐसा भी होगा जो विद्यालय की शुरुआत से ही जुड़ा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साल दो साल चार साल में जुड़े होंगे, लेकिन सबने अपने जीवन का बड़ा ही बहुमूल्य समय इस स्कूल में बिताया है, बहुत ही बहुमूल्य समय। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जब 13 से 19 साल तक के होते हैं, इस दौरान उनके मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, ये साइंस कहता है। इस दौर का समय भी स्वर्ण युग की तरह देखा जाता है। स्वर्ण युग से मेरा तात्पर्य है कि यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपने भविष्य को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करते हैं, जिसमें आपकी सहायता करने वाला व्यक्ति होता है अध्यापक। अध्यापक आपका गुरु भी है, आपका मित्र भी है, आपका सगा संबंधी भी है। वो इसलिए क्योंकि हम सभी को पता है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा समाज विकास करता है, उसके अंदर जो कुरीतियां होती हैं उसको निकालने का प्रयास करता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे लोगों जी को बुला लें, सामाजिक और मानसिक के साथ साथ आर्थिक स्तर पर भी हर व्यक्ति मजबूत होता है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम लोगों पर 200 साल तक राज किया था। वो लोग जिज्ञासु थे, बहुत सारे कंट्रीज पर राज इसलिए वो कर पाए क्योंकि वो दूर तक सोचते थे। उन्होंने साइंस को अपना एक ऐसा माध्यम बनाया जिसकी वजह से लगातार इन्वेंशंस किए और पूरी दुनिया पर राज किए। एक समय था उनका सूर्यास्त नहीं होता, इसकी देन थी शिक्षा का, एजुकेशन का। इसलिए एजुकेशन सभी के लिए बहुत ही मस्त है, और 10वीं तक का जो शिक्षा आपने यहां ग्रहण किया है इसके बारे में आप अपने मन से जो कहेंगे वो तो सभी को पता चलेगा ही चलेगा। इसके अतिरिक्त जब आप 16 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा यूपी बोर्ड का, और आपने क्या पढ़ा है, कितने स्तर तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से क्वेश्चंस के स्ट्रीम बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना प्रॉपर गाइडेंस हम लोगों ने आपको दिया है, तरीका भी बताया है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वहां पुट अप किए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का संकलन विद्या जैसे क्वेश्चन बैंक में भी होता है। एक तो मदद आपकी उनसे हो जा रही है जो किताबों को शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल ही ये बात मान के चलिएगा कि क्वेश्चन बैंक ही हम पढ़ लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना भी नाइन्थ और टेंथ में पढ़ाया गया है बेस यही है, हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लू, जैसे इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन है, नाइन्थ और टेंथ में लगभग समानता है, लगभग चीजें वही है, जितना नाइन्थ का सिलेबस ग्रामर का है उतना हाई स्कूल का भी है,
तो आपके पास एक अच्छा अवसर होता है कि इन दो वर्षों में हम अपने आप को उस मामले में उस फील्ड में बहुत बेहतर कर लें। भरसक आपने प्रयास किया, हमने भी अपना पूरा जान लगाया इसमें, हमने भी पूरा प्रयास किया कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास किया गया, जिसमें हम सभी अध्यापकों की भूमिका रही, विशेषकर प्रबंधक जी की भी भूमिका रही, जिनके मॉनिटरिंग में सारा का सारा कार्य सकुशल संपन्न कराया गया। कम समय में सिलेबस को भी खत्म करना था, बीच बीच में छुट्टियां भी रही, आपको पता ही है ठंडक में उधर 15 दिन की भी छुट्टी हो गई, उसके बावजूद जो एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें ऐसा लग रहा था कि आपका एग्जाम मार्च से पहले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का दबाव था कि अप्रैल से हमें सेशन शुरू करना है, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को जल्दबाजी में तैयारियां शुरू करनी पड़ी, और तैयारी करने के बाद उन लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया, 16 फरवरी का डेट दे दिया। यही नहीं, जो परीक्षाएं महीने भर चलती थी उन परीक्षाओं को 20 दिन में 25 दिन में समाप्त करने का भी आयोग ने टारगेट ले लिया, और वो कर भी रहे। 16 से 4 मार्च, 16 फरवरी शुरू होगा, 4 मार्च को समाप्त हो जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य होगा, शिक्षा आपको जितनी भी लेनी थी, जितना भी आपको ग्रहण करना था, वो आप कर चुके हैं, लेकिन अब आपके पास, अभी आपने युद्ध लड़ा, अब आपको महायुद्ध लड़ना है, यानी आपको महामैराथन टाइप में जितने भी सिलेबस हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, उन सभी को आपको बुलेट ट्रेन की स्पीड में रिवीजन करना होगा, कई बार, कितनी बार संख्या नहीं मालूम, कितनी बार भी आप करें वो कम है, जितनी बार भी आप रिवीजन करेंगे हर बार आपके अंदर निखार आएगा आपके एजुकेशन में, और जितना आपका एजुकेशन निखरेगा रिजल्ट भी उससे कहीं बेहतर आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इधर आपके पास जो भी समय बचा हुआ है इसमें आप विद्या का भी सहारा लें, और जितना भी नोट्स हम लोगों ने तैयार करवाया है 60-70% नोट्स को आप तैयार करिए बढ़िया बढ़िया, और 40% ध्यान दीजिए विद्या पर, क्योंकि उसमें से भी जो वन मार्क्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं, वो भी विशेषकर विद्या में अधिकतर आते रहते हैं, जो कि किताबों में अधिकतर हम लोग वर्णन तो कर देते हैं लेकिन यह वहां स्पष्ट नहीं कर मिलता है कि ये एक नंबर का है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि पिछले वर्ष वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में था, इस बार वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया गया है, तो इसके लिए फाउंडेशन है। सबसे पहला काम, जब आप यहां से जाएंगे एग्जाम, जिस दिन भी आपका रहेगा, रोल नंबर आपको अच्छे से सेटअप करना है, अपना नाम आपको नहीं लिखना है, आपको अपना पता नहीं लिखना है, ये आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर नाम वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां सिर्फ रोल नंबर भरा जाता है, हमने आपको सुबह में सिस्टम बताया था कि कैसे कैसे आपको रोल नंबर भरना है। इसके बाद जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आप देखेंगे उसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट का समय पहले नहीं मिलता था, बाद में बोर्ड ने बहुत विचार विमर्श के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए, उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय डिसाइड किया था, लेकिन उसको इंक्रीज कर दिया, 3 घंटा 15 मिनट कर दिया, 3 घंटे में नहीं एडजस्ट किए, 3 घंटा आपको पेपर देना, 15 मिनट रीडिंग के लिए है। इस दौरान जल्दबाजी नहीं दिखानी है, पहले नंबर आप जब प्रश्न पत्र आपको मिले तो उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज होती है दिशा निर्देश, उसमें जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको आप पढ़ लें। मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि जो कक्ष निरीक्षक वहां होंगे वो तो बहुत वर्ल्ड क्लास के होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्थितियां बनती हैं कि किसी को भी खड़ा कर देते हैं कि बस देखना, कोई नकल ना करने पाए, ऐसे भी कक्ष निरीक्षक मैंने देखा लोग बना देते हैं, तो आप उनके भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा। जितना भी आपको हमने बताया है, चाहे कॉपी भरने का तरीका हो, क्वेश्चन पेपर मिला पढ़िए दिशा निर्देश को, उसके बाद हल करिए। जैसे इंग्लिश में आता है, कोई 60 वर्ड में लिखने के लिए आ गया 60 वर्ड में, कोई 100 वर्ड में लिखने के लिए आ गया, तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऊपर जो दिशा निर्देश दिया रहता है, जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे सबको बेहतर तरीके से पढ़िएगा, और जितना कहा है उससे आप ज्यादा करके आएंगे, उससे कम नहीं करेंगे।
जारी करेंगे तो उसका आपको सीधा सीधा लाभ होगा, कम करके आएंगे तो सीधा सीधा नुकसान होगा। इसलिए ये एक तरह का प्लानिंग है एग्जाम को तैयार करने का, एग्जाम में बैठने की ये प्री प्लानिंग है। और जब आप प्री प्लानिंग रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लिया जाता है, किसी भी एग्जाम्स को हल्के में नहीं लिया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि इसको आप पढ़ के नौकरी पा जाएंगे, लेकिन ये जो डिग्री आपको मिलेगी ये आपको उच्चतम शिखर तक ले जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लीगल डिग्रियां होती हैं उसमें सबसे आधारभूत जो डिग्री है वो मैट्रिकुलेशन है, टेंथ है। आप देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकतर जो नौकरियां निकलती है चाहे वो फोर्थ क्लास की ही क्यों ना हो, कुछ ही कुछ छोड़ दिया जाए तो टेंथ कंपल्सरी है, टेंथ या इक्विवेलेंट होना चाहिए, दसवीं या उसके समकक्ष होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारी भर्तियां ऐसी भी आती है जो मेरिट बेस्ड होती है, जैसे इस समय भारत सरकार के डाक विभाग में आई है जीडीएस की भर्ती, उसमें हाई स्कूल में जिसका बढ़िया मेरिट है उसकी नियुक्ति हो जाएगी, उसमें एग्जाम नहीं। हो सकता है भविष्य में ऐसी और भी कोई भर्तियां आए आपके समय में, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा 33% या 40% आ जाए हम किसी तरह से पास हो जाएंगे। अगर किसी तरह से पास हो जाएंगे तो वो डिग्री रद्दी के कागज के समान ही है, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा फ्यूचर में। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई किए हैं और रिवीजन आप बढ़िया से कर लेंगे तो जितना अच्छा है आपका परसेंटेज आएगा उतना ही अच्छा आपके फ्यूचर के लिए होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आज आपका जो फेयरवेल हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्यों, अब आप जाइए घर पर और अच्छे से अच्छे तरीके से ज्यादा समय हो सके खाली अपने पढ़ाई को दीजिए, पूरी दुनिया से कट जाइए, 15-20 दिन 25 दिन के लिए दुनिया से कट जाइए, सिर्फ दिनचर्या और अपनी पढ़ाई बस, किसी अतिरिक्त या किसी अन्य काम में आपको नहीं लगना। अगर इतनी सारी चीजें आप करेंगे तो यकीन मानिए बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों से पहले भी इस स्कूल के बच्चों ने अपना परचम लहराया है, जो आज भी रिकॉर्ड मैंने सुबह मेंशन किया था प्रेयर के दौरान जब असेंबली में मैंने बोला था, मैं फिर मेंशन कर रहा हूं कि 90% बच्चे लेकर के आए थे, इतना यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में उनका नंबर था इतना परसेंट। तो आप लोगों को उस रिकॉर्ड को क्रैक करना है, तोड़ना है, उस रिकॉर्ड को कायम नहीं रखना है, रिकॉर्ड हमेशा तोड़ने के लिए ही बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, और भी टीचर्स हैं अपनी अपनी बात अपनी अपना अपना वक्तव्य रखेंगे, और जो भी आपको दिशा निर्देश देंगे वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपके एजुकेशन आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा। लेकिन अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि कुछ दिन के लिए पूरी दुनिया से कट जाइए और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए, अब पढ़ाई नहीं है, अब सिर्फ रिवीजन। ताली का वेट कर रहे थे, क्लैपिंग का वेट कर रहे थे, किए ही नहीं सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त सम्मानित अध्यापक महोदय एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज के फेयरवेल डे के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से मिस्टर रवि मिश्रा जी आप लोगों के समक्ष अपने अमूल्य विचारों की अभिव्यक्ति किए हैं, बहुत इम्पोर्टेंटली तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। और हम सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स लाइफ तो होता है इन द टाइम ऑफ लर्निंग, ये सीखने का समय होता है, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें वी शुड नेवर ट्राई टू वेस्ट आवर टाइम, टाइम हमें कभी भी अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। और टाइम ही कंफर्म करता है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, जब आप टाइम को अपने आप में मूल्यवान समझेंगे तो इसे आपको एक अमूल्य सफलता मिलेगी जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं किया होगा। और इतना ही नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं है। यदि आप सफलता को अर्जित करना चाहते हैं तो
तो आपको कठिन से कठिन मेहनत करने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, अभी परिस्थितियों का सामना आपको और भी आगे करने पड़ेंगे। विल हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस इन द फ्यूचर लाइफ टाइम। इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, इस सफलता प्राप्त करना चाहेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना आपको करने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, इन फैक्ट मनी द मेकर ऑफ इज फोर डिस्टनी, मतलब अपने भाग करने वाला स्वयं होता है। यदि आप ठान लेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि समवन हैज ऑलरेडी सेड द वर्ड इम्पॉसिबल इट टू बी फाउंड इन द डिग्री ऑफ फूल। यानी असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। इस चीज जानिए, अपने दिमाग में रखेंगे, कीप इट इन योर माइंड। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का पेपर भी आपके समक्ष है, इसको गंभीरता से लेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट की रिवीजन अच्छे से करेंगे और टू द पॉइंट टू दी पॉइंटली आप अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे। जैसा कि रवि सर बोले हैं कि विद्या क्वेश्चन जो होता है ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन बैंक बनाए गए हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ज्यादा बेटर नहीं है। यदि आप टेक्स्ट बुक का डीपली स्टडी करते हैं तो आपके लिए हर तरीके से, हर दृष्टि से ये छूल है। यदि टेक्स्ट बुक में किसी तरीके से मुश्किल से आपको एरर्स दिखाई देते हैं तो टेक्स्ट बुक अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इफ वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, यदि अच्छे सब्जेक्ट में यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि जिक्र भी करना चाहेंगे एग्जाम पीरियड का, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने पेपर दिया था तो उनके पेपर पर ही लिख कर आया था दी एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। एग्जामिनर से अच्छा क्यों नहीं, एग्जामिनर आप लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचिए, ये वाज आल्सो मैना फोर्ड वह विद्वान व्यक्ति थे और ये वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट इंग्लिश इन टू हिंदी। यानी वह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। और इतना ही नहीं, परीक्षा को बहुत कुशलतापूर्वक आप लोग फाइट करेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट की तमाम गाइडलाइन जारी हो रही हैं कि आप किसी भी तरीके से अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, कोई चिट लेकर नहीं जा सकते हैं, या मतलब इस तरह की कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके ऊपर ब्लेम आए या संबंधित विद्यालय के ऊपर ब्लेम आए या संबंधित कक्ष निरीक्षक के अगेंस्ट ब्लेम आए या संबंधित केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ ब्लेम आए। और ऐसा भी बताया गया गाइडलाइंस की आपके डिप्टी मजिस्ट्रेट भर्ती की बात बता रहे हैं, यानी अभिनंदन जी की स्टेटमेंट आया है, अभी कल ही आया है, उन्होंने अपने सत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त किए हैं कि जो भी पेपर ओपन होंगे खोले जाएंगे संबंधित केंद्र व्यवस्थापक के समक्ष, एडिशनल केंद्र व्यवस्थापक के समक्ष, वहां पर एक स्टैंडिंग मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। इन तीनों लोगों की उपस्थिति में क्वेश्चन पेपर जो है वहां ओपन होंगे, ये आपकी राइट्स है, आपको जानना चाहिए। और कुछ ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था भी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स को विटनेस के रूप में दस्तखत भी करवाया जाता है ताकि किसी तरह की धांधली का आरोप हमारे ऊपर न लगे। ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना डिसीजन है और ये चीज आप लोगों को जानना चाहिए। लेकिन हाँ, अनुचित साधन का प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे, इसको आप गंभीरता से अपने दिमाग में रखेंगे। और भी जो भी सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से पढ़े हैं लिखे हैं उसका रिविजन बेहतर करेंगे। और जैसा कि इस बार जो है मॉडल पेपर तमाम तरह के परिवर्तन भी हुए हैं और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू मल्टीपली चॉइस क्वेश्चंस, यानी 20 क्वेश्चंस लगभग आएंगे प्रत्येक में, तो उसका रिवीजन अच्छे से करेंगे। कुछ में पैसेज पेरियड होगा, कुछ में पोएट्री पेरियड होगा, कुछ में कहीं कहीं आउट ऑफ कोर्स भी दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है, जैसा कि इंग्लिश में मैंने देखा मॉडल पेपर, उसका एनालिसिस भी किया है, आउट ऑफ सिलेबस से भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप अच्छे से पैसेज को क्या करें, केयरफुली ट्राई टू रीड द पैसेज, then you will also try to answer of the questions, otherwise your answer would be incorrect and no marks are to be provided by the examiner। इसलिए आप इसको बहुत carefully observe करेंगे ताकि कोई तरह किसी तरह की गलती ना होने पाए। यदि वन मार्क जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका डीपली आप स्टडी करेंगे और कहीं भी चूक हुआ तो आपके मान लीजिए एक ही नंबर का है, उसको हल्के में नहीं लेंगे, डोंट टेक इट वेरी लाइटली, इसको टेक इट वेरी सीरियसली, इसको गंभीरता से लेने का प्रयास करेंगे, तभी आपको एक नंबर मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, जबकि देखा जाता है तमाम बच्चे और भी सिखाते आते हैं कि रोल नंबर अंकों में लिख देते हैं, उसमें ये भी होता है शब्दों में भी प्रोविजंस होता है, इन वर्ड्स इन नंबर्स दोनों में प्रोविजंस होते हैं। और भी बोर्ड की गाइडलाइंस है कि जब आप आंसर राइट करेंगे प्रत्येक पेज पे
आपको अपने रोल नंबर राइट करना चाहिए, तुम तो राइट और रोल नंबर और जो कॉपी की कोड होती है उसको भी राइट करने होंगे, ये राइट टू राइट, ठीक है। ये सारी चीजों पर आप लोग विशेष सावधानी जांचेंगे बचेंगे, यानी रोल नंबर प्रत्येक पेज पे लिखने होंगे और इसके साथ पेपर की जो यानी क्वेश्चन पेपर की जो आंसर शीट की जो कोड होती है उसको भी आप लोग राइट करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर भी कोड होता है उसको भी राइट करने पड़ते हैं, तो इन सारी चीजों को केयरफुली आप लोग फिलअप करेंगे ताकि किसी तरह की कोई त्रुटियां ना होने पाए। और इन सारी विधियों को आप गंभीरता से लेंगे और समय भी होगा संक्षिप्त है। इसके बाद और आप लोग शांति बनाए रखेंगे, आप लोग समय मिस्टर संतराम जी आएंगे और अपने बातों को रखेंगे, आप लोग केयरफुली उनको लिसन करने का प्रयास करेंगे। आज विदाई समारोह में देखिए हमने देखा है कि आप लोग भावुकता का बहुत ऐसी कोई बात नहीं, परिवर्तन तो विधि का विधान होता है और परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका जस्ट समय पर चल रहा है परिवर्तन का है, आप लोग अच्छे अच्छे ख्याल शिखर पे पहुँचने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें सर ने बता ही दिया है और हम भी क्लास में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन लिखना है इस ढंग से बताए थे, जानते हैं ना। तो क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे और ये भी बताए थे कि क्वेश्चन को लिखने के लिए कुछ मॉडल भी बताए थे कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, उसको कैसे मॉडलिंग किया जाएगा, इससे आपके नंबर बढ़ते हैं। कितने मिनट का बनाना है सर? 22 का हो गया। जैसे सर ने बताया है कि मार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मार्क अगर हैं तो अभी आपको आगे तमाम प्रकार के लाभ मिल सकते हैं।